हैवानियत, पहले महिला को बनाए बंधक, फिर जलती पॉलिथीन की बूंदे टपका कर दिए जख्म। खबर शिवपुरी के बैराट तहसील से आ रही है, जहां पर एक बस क्लीनर ने महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसे 1.5 माह तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसके साथ कई बार गलत काम किया। इतना ही नहीं, क्लीनर ने हैवानियत की हदें पार कर महिला के शरीर को पॉलिथीन की बूंदे टपका कर जगह जगह जख्म दिए। शिवपुरी के बैराट थाना क्षेत्र से लापता 22 साल की आदिवासी युवती मुरैना के जौरा में लावारिस हालत में मिली थी। आपको बता दें कि यहां पर थाना पुलिस ने युवती को थाने ले जाकर बैराट थाना पुलिस को सूचना दी। बैराट पुलिस जौरा से पीड़िता को अपने संग लाई। रात बीतने के बाद रविवार को पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने अपनी दुख भरी दास्तान पुलिस के सामने बयां की। युवती ने बताया कि मुरैना के पहाड़गढ़ स्थित खराईपुरा गांव का पीपी आदिवासी ने उसे अपने घर में 1.5 महीने तक बंधक बनाकर रखा। उसके संग ना सिर्फ गलत काम किया बल्कि असहनीय पीड़ा भी दी। पॉलिथीन सुलगाकर जल की बूंदे पेट और पैरों पर टपकाई और आग की बूंदों से पीड़िता के पेट और पैरों पर जलने के निशान मिले हैं। पुलिस ने बस क्लीनर पीपी आदिवासी के खिलाफ धारा 376, 344, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें पीड़िता द्वारा थाने में शिकायत की गई थी, तो आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला विवेचना में लिया गया है। स्वयं SDOP साहब इसको देख रहे हैं। आरोपी की पतासाजी के लिए हम लोगों ने भी टीमें रवाना की है, जल्दी इसका निकाल कर लेंगे।